दो भाई हैं सुब्रमण्यम और परमेंद्र। दोनों भाइयों के पास बिल्कुल टाइम नहीं था, इसलिए दोनों घड़ी खरीदने गए। घड़ी की दुकान पर नौकर था, मालिक रोटी खाने गया था, ये लंच टाइम था। दोनों भाइयों को एक घड़ी पसंद आई। नौकर ने बताया कि इसकी कीमत 500 रुपए है, 500 रुपीज। दोनों भाइयों ने पार्टनरशिप में वह घड़ी खरीद ली, 250-250 रुपए मिलाकर। 250 रुपए एक ने दिए और दूसरे ने भी 250 रुपए मिलाए। घड़ी लेकर वो घर की तरफ चल पड़े। दुकान से घर 50 मीटर की दूरी पर था और दोनों भाइयों की हाइट 5.5 फीट है। ध्यान रखिएगा, दोनों की हाइट 5.5 फीट है और घर की दूरी 50 मीटर। उनके जाने के थोड़ी देर बाद दुकान का मालिक लट्टू दुकान पर पहुंचा। रोटी खाकर आया था, आते ही उसने दुकान की हाल खबर लेने की कोशिश की। बी सीरियस फ्रेंड्स, पैसे का मामला है। दुकान में 2 सीसीटीवी कैमरा लगे थे, इसीलिए नौकर ने बता दिया मालिक को कि एक घड़ी बिकी है। वो अमरूद के पेड़ वाले घर वाले दोनों भाई सुब्रमण्यम और परमेंद्र ही आए थे। लट्टू ने पूछा कौन सी घड़ी बेची है। नौकर ने बताया शौकजी कंपनी की डुप्लीकेट काली पट्टे वाली घड़ी है ना, जो डिस्प्ले में लगी थी, वही घड़ी बेची है। लट्टू ने बोला कितने में। नौकर ने बताया 500 रुपए में, आपको दे रहा हूँ मैं। जो लट्टू को बहुत गुस्सा आया, लट्टू ने नौकर को डांटा और कहा तू मेरी नाक कटवाएगा क्या, मेरी बेइज्जती करवाएगा, मेरा नाम खराब करेगा। वो घड़ी 450 रुपए की है, तू 500 रुपए की बेच रहा है। नौकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। लट्टू ने बोला अभी के अभी 50 रुपए लेकर जा और उन दोनों को देकर आ। नौकर फिर 50 रुपए लेकर उनके घर की तरफ चल पड़ा। फ्रेंड्स, अब आप लोग हिसाब लगाते रहना साथ साथ में कि हो क्या रहा है। चलते चलते नौकर को कुछ आइडिया आया। उसने सोचा सुब्रमण्यम और परमिंदर को पैसे तो वापस दे ही रहा हूँ, उन्हें असल कीमत भी पता नहीं है, तो क्यों ना मैं उन्हें 50 रुपए की बजाय 30 रुपए ही दे दूं। दोनों भाइयों ने पैसे मिलाकर दिए थे 250-250 रुपए। 30 रुपए दूंगा, 15-15 आपस में बांट लेंगे, खुशी होंगे, कहेंगे कि कुछ तो वापस आया, और 20 रुपए मैं रख लेता हूँ, मुझे भी तो इतना पैदल चलने की कुछ मेहनत मिलनी चाहिए, मालिक वैसे भी कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करता। तो नौकर ने 20 रुपए अपने पास पीछे रख लिए छुपाकर और 30 रुपए लेकर उनके पास पहुंचा, सुब्रमण्यम और परमिंदर दोनों भाइयों के पास। और नौकर 20 रुपए यानी कि 20 रुपीज अपने पास रख के और 30 रुपए 30 रुपीज उन्हें देकर आ गया। फ्रेंड्स, अब आप हिसाब लगाओ, दोनों भाइयों को 30 रुपए वापस मिले, दोनों ने 15-15 रुपए आपस में बांट लिए, दोनों ने मिलाए थे 250-250 रुपए। 250 रुपए में अगर एक को 15 रुपए वापस मिले तो उसके खर्च हुए 235 रुपए। सही है ना, दोनों भाइयों के बराबर थे, दोनों भाइयों के ही उस हिसाब से 235 और 235 रुपए खर्च हुए, दोनों मिलाकर बनते हैं 470। जमा करिए, करें ना, अब 470 रुपए दोनों भाइयों के मिलाकर खर्च हुए उस हिसाब से, और 20 रुपए रखे नौकर ने, तो हुए टोटल 490। सवाल अटकता है ये 10 रुपए कहाँ गए। लट्टू को तो कुछ नहीं पता, नौकर ने सिर्फ 20 रखे हैं,
दोनों भाइयों को 30 रुपए वापस मिलेंगे। तो अब आपको ये जोड़कर हिसाब लगाना है और जल्दी से जल्दी हमें जवाब देना है।